गर्मियाँ शुरू होते ही मार्केट में कच्चे आम मिलने लगती है, और कच्चे आम की तो इतनी तरह तरह की रेसिपी है कि जिसे याद करते ही मुंह में पानी आ जाती है। तो आज मैं कच्चे आम की एक चटनी बना रही हूँ जो पतला सूप जैसा होगा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। तो इस चटनी को बनाने के लिए आम का सिर्फ ये काट लेंगे, और इसका छिलका ऐसे ही रहेगा, छिलका नहीं उतारेंगे, इसको छिलके के साथ ही बनाया जाता है। तो इससे कुछ नहीं होता है, छिलका रहता है तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और आम को पहले से मैंने धो के रख लिया था, तो इसे सिर्फ अभी काटना है। तो काटने के लिए इसे इतना, एक आम को चार पीस बस, इतना बड़ा बड़ा काटना है इसे। तो ये दो पीस हो गया, और दो पीस करेंगे, एक आम को चार पीस में काट लिए, बस ऐसे ही रहेगा ये। और अगर इसमें गुठलियां भी बन जाए, थोड़ा सा हार्ड गुठलियां भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं है, ये और अच्छा लगता है चूस चूस के खाने में। सारा आम मैंने काट लिया है, और अभी इसमें नमक डालना है। तो नमक आम कितना है उस हिसाब से डालना है, और हल्दी पाउडर बस इतना सा, और मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और इसका अभी मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे देख के ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। तो हो गया है मिक्स, चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। और अभी इन मैंगो के पीसेस को फ्राई करेंगे, तो इसलिए कढ़ाई में तेल डालेंगे, और ये सरसों का तेल है, काली सरसों, काली सरसों ना हो तो पीली सरसों भी डाल सकते हैं। और एक सूखी लाल मिर्च को ऐसे तोड़ के डाल देंगे छोटा छोटा। और अब ये आम के पीसेस को धीरे धीरे डाल देंगे। थोड़ा सा ढक देंगे इनको, तो निकाल के देखते हैं आम कहाँ तक फ्राई हुई है। इतना अच्छा खुशबू आ रही है इसका, खट्टा खट्टा खुशबू। तो बस आम थोड़ा सा पक गया है, इसी समय इनमें पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे ढेर सारा, क्योंकि ये पतला चटनी बनेगा सूप जैसा, तो इसमें पानी ढेर सारा जाता है। थोड़ा सा और डाल देंगे पानी, क्योंकि हमारे घर में इसका जो सूप है ये बहुत पसंद करते हैं सब लोग, तो इसलिए ज़्यादा पानी डाल के हम बना रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से जितना पसंद करते हैं सूप उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसका भी एक बार फिर से ढक देंगे, ताकि आम अगर थोड़ा सा कच्चा होगा तो ये भी पक जाएगा, और इसको एक उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें उबाल आ गया है, और देखिए आम का पीस भी पूरी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। तो अभी इसमें डालेंगे चीनी, तो चीनी को अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। और अब इसको चीनी के साथ भी पकाएंगे। तो देखिए इसमें अच्छा से उबाल आ गया है, इसको और उबालेंगे। चीनी के साथ बहुत देर तक पका लिए, और अब देखिए ये इस तरह से बन गया है, थोड़ा सा गाढ़ा, बस ऐसे ही रहेगा ये। और इसको अब निकाल देंगे, तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, और इसे पूरा ठंडा होने के बाद टेस्ट करना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत, इसे सूप जैसा पीजिए इसको, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फटाफट से जाइए इसे बनाइए, और जाने से पहले मेरे वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलना, और फॉलो भी कर लेना जरूर। बाय बाय।